खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और कदूस नाम में आप सबको सलाम। आइए हम खुदावंद की हजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। उसकी शुक्रगुजारी करने के गुजरे हुए हफ्ता में उसने हमें सलामती बख्शी, हर तरह से उसने हमें संभाला। उसकी नेमतों और बरकतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी कुछ दर कुछ रहती है। और आज के दिन के लिए भी उसकी शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने हमें अपने घर में आने का मौका बख्शा कि हम उसकी प्रस्तुति, उसकी स्तुति, उसकी हमदो सना करें, क्योंकि वही स्तुति है कि हम उसकी हजूरी में झुके हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरी हजूरी में आकर तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि हमें आज का ये वक्त हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम तेरे घर में आकर तेरी प्रस्तुति करें। खुदावंद खुदा, जितने लोग तेरी हजूरी में आ चुके हैं खुदावंद खुदा, उनके लिए तुझसे बरकत की दुआ मांगती हूँ, और जितने आने का इरादा रखते हैं खुदावंद खुदा, उनको अपने घर में ला ताकि वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। खुदा खुदा तुम्हारी कमजोरियों को दूर करना खुदा खुदा, इबादत के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथ में देती हूँ खुदा, शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ रहना, गीत और जुहूरों में तुम मदद के बारे में हिफाजत करना, हमारी आवाज़ों को छूना और बुलंद करना, अपने हाथ को बढ़ाना और अपनी कुदरत को जाहिर करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पालते हैं, आमीन। आइए हम प्रसिद्ध में जबूर 22 गाएंगे, याद यहोवा की सब करेंगे गंदे सारी दुनिया। Thank you.
खुदावंद ऐ मेरी कुवत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मेरा मैं भरोसा रखूंगा। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। यकीनन जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनता है और वो हमें हर मुसीबत और परेशानी से बचाने की कुदरत रखता है। आइए इसी तरह प्रसिश में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे, तेरा लहू पाक करता है। गीत नंबर 175। आइए एक बार फिर अपने सरों को झुकाएंगे
और दुआ करेंगे। खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे उसके बहाए हुए खून के लिए जो उसने हमारे लिए बहाया। जब हम गुनहगार थे तो उसने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी, हमारे गुनाहों का फिदिया दे दिया। बेशक हम इस लायक ना थे, लेकिन उसने हमारे लिए अपनी जान को बात कर दी। उसकी शुक्रगुजारी करें तो उसके खून के लिए। और ये दुआ हम आंटी हफीजा के साथ लेते हैं। बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो यीशु जी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ यीशु राजा, तेरे नाम नु जलाल देती हूँ यीशु जी। तू जलाल दा बादशाह, तू बादशाह दा बादशाह मेरे यीशु, तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ कर सकी है, तेरे नाम नु जलाल दे सकी यीशु। तू जलाल दा बादशाह, तू बादशाह दा बादशाह मेरे यीशु। आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु दे नाम ते हम तेरे पास आते हो, हम तेरा शुक्र करते हो। तू शुक्र गुजारी दे रह के तेरा शुक्र है यीशु राजा, तेरी तेरी अमन दो, हम तेरे ना कौत जिंदगी बसर कस के यीशु जी, साडा उठना बैठना तेरी मर्जी के मुताबिक हो यीशु। मैं तेरा शुक्र करती हूं यीशु जी, कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना सका, हम तेरे पीछे चल सकिए मेरे यीशु, तेरे कदमों नक्शे चल सकिए मेरे यीशु। तेरा शुक्र करती हूं, तूने आख्या मांगो तो पा दरवाजा खटखटाओ, तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा यीशु। मांगती हूं तो दर्दना दी, तेरे कदमों पे आई हूं, तेरे कदमों नक्शे से चल सका मेरे यीशु। तूने आख्या राह की जिंदगी मैं हूं यीशु, मेरा मान है राह की जिंदगी तुम हो। मैं तेरा शुक्र करती हूं यीशु जी, तेरी तारीफ करती हूं यीशु राजा। यीशु जी आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे तेरे की चौकी है, हम तेरी चौकी से बह के सजदा कर सकिए। तू सही दे के लेके मेरे यीशु, तेरा शुक्र करती हूँ इस बेटी को यीशु राजा, आगे बढ़ा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। अच्छे तरीके से तेरे नाम में जलाल देने वाली बन सके, तू जलाल का बादशाह, तू बादशाह का बादशाह, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तेरी तारीफ तेरी हमद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस तरह प्रशिष्ट आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। हर कोई आके आ जा मेरे दिल से समा जा, गीत नंबर 250। I'm
और जब हम उसके पात्रों को मानते हैं तो वो हमारे दिल के अंदर आके हमारे हमारी खामियों को दूर करता है और उसका पात्र हमारे अंदर समा जाता है। आइए हम इसी तरह प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे, मैं ये होवा यही हूँ, मैं मुहैया कर दूँ। I'm not afraid.
आइए इस तरह एक बार फिर अपने सरों को झुकाएंगे और खुदाम के आगे उसके पागलों को मांगेंगे, उसके पागलों को मांगेंगे, क्योंकि हम उसके बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमारी रहनुमाई करना जानता है। उसके पागलों को मांगेंगे जो हमारा मददगार और उस्ताद है, हम उसके बगैर कुछ नहीं है। उसके पागलों को मांगने के लिए गुप्ता के साथ आइए प्रसिद्ध में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। खुदावंद अपने लोगों में आया है, बंद बंद की सर yeah।
यीशु तेरा प्यार है कितना सुहाना। Yeah.
तू यहाँ उतरा हुआ है मेरे खुदा।
तेरी शुक्र गुजारी करते हो। ऐ मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम कमजोर नकम्मे हकीर हैं मेरे खुदा, हम इस लायक नहीं मेरे खुदा। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं कि तू हम पर रहम करता, हम पर तरस खाता और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। जितनी जाने तेरी हजूरी में आ चुकी हैं, सबके लिए तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ, तुझे मुबारक कहती हूँ मेरे खुदा। अब ऐ खुदावन, जबकि हम तेरी आवाज को सुनने वाले हैं, ऐ मेहरबान खुदा, हम तेरी जिंदगी को, ऐ खुदावन, तेरे जिंदगी बख्श कलाम को सुनने वाले हैं। ऐ मेहरबान खुदा, तू हम सब को ले, हम सब को छू मेरे खुदा, हम सब की सोचों ख्यालों रातों को छू ले मेरे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा, तू आज अपने कलाम की कुदरत से हमारी कमजोरियों को जोर में बदल दे, हमारी कमजोरियों को हमारी जिंदगियों में जाहिर कर दे मेरे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा, क्योंकि तू अपने कलाम को नाजिल फरमाता और अपने लोगों की तरबियत करता मेरे खुदा, अपने लोगों की नसीहत करता मेरे खुदा, आज मेहरबान खुदा तू अपने कलाम को हम सब के लिए नाजिल फरमा दे, ताकि आज तेरे कलाम की कुदरत से हम आए खुदावंद उस नसीहत को हासिल करने वाले बन जाए, उस तरबियत को हासिल करने वाले बन जाए मेरे खुदा, जो तू आज अपने कलाम की कुदरत से हम सब से करने को है। ऐ मेहरबान खुदा, तू हम सब को छू, हम सब को सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता कर दे मेरे खुदा, तू हमें अकल दनाई और हिकमत का रूह दे दे मेरे खुदा, ताकि आए खुदावंद हम तेरे कलाम को सुनकर अपने दिलों में जगह दे सके मेरे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा, तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है, तेरा कलाम सब कुछ कर सकता है मेरे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा, तू हम सब को दे और बरकत दे खुदावंद, इसी तरह तेरी खादिमा को, तेरी बंदी को, अपनी बहनों के साथ मिलकर मुतफिक होकर आई खुदावंद, तेरी बंदी को तेरे मजबा पर ले आती हूँ। ऐ मेहरबान खुदा, तू अपनी बंदी को छू और बरकत दे, आज तू अपनी बंदी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। ऐ मेहरबान खुदा, जो कलाम तूने अपनी बंदी के मुंह में हमारी जिंदगियों के लिए रख दिया है, ऐ बाप, तू अपनी बंदी को छू और बाप की कुदरत के साथ आज अपनी बंदी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ऐ मेहरबान खुदा, तेरा कलाम आए खुदावंद यीशु नासरी बेतासीर नहीं लौटता। ऐ मेहरबान खुदा, आज तेरा कलाम आए खुदावंद कुदरत के साथ हमारी जिंदगियों में काम करे मेरे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा, हम सबका ईमान है कि तेरे कलाम में कुदरत है, तेरे कलाम में कुदरत है मेरे खुदा। जब तू अपने कलाम को नाजर फरमाता है तो आए खुदावंद अजीब काम होते हैं। आज तू अपने कलाम की कुदरत से हम सबको छू ले और बरकत दे मेरे खुदा, बहाल कर मेरे खुदा और अपने जलाल को हमारी जिंदगियों में जाहिर कर मेरे खुदा, ताकि हम तेरी हजूरी में आगे बढ़ सके, तेरे नाम को जलाल दे सके, तुझे मुबारक कह सके, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है, तू लश्करों का रब है मेरे खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, तुझे मुबारक कहती हूँ। एक बार फिर खुदावंद तेरी बंदी को आए खुदावंद तेरे हाथों में देती हूँ, तू भरपूर तरीके से अपनी बंदी की मदद कर। आए बाप, देख हम इंसान होते हुए कमजोर है, लेकिन आए खुदावंद जब तेरा रूह जुम्बश करता है, जब तेरा रूह आता है, तो आए खुदावंद कमजोरियां जोर में बदल जाती है। ऐ मेहरबान खुदा, यीशु के नाम से आए तेरी बंदी की सारी कमजोरियां तेरे यीशु नाम से, तेरे पाक रूह की कुदरत से जोर में बदल जाए। और आए खुदावंद, आज का कलाम हम सब के लिए बहाली का, खुशहाली का, तरक्की का सबब बन जाए। ऐ मेहरबान खुदा, आज आए खुदावंद तेरे कलाम से हम सब बरकत को लेकर जाए। ऐ मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। मेरी दुआ को सुनिए, दुआ यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। खुदावंद की खादिमा से जिंदा कलाम को सुनिए। आखिर गाने खुदा यीशु के कालिक कदूस और बाबरकत नाम में हम सबकी खिदमत में, जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो हमें हमारे साथ ऑनलाइन किसी बात में शरीक हैं, उन सब की खिदमत में खुदा यीशु के नाम से सबको सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि हमारा खुदा भला खुदा है और उसकी शफकत अबदी है, और वो अपनी शफकत को हम सब पर बदलता है। और ये इस बात का सबूत है कि हमारे खुदा खुदा ने आज का दिन हमारी जिंदगियों में बख्शा है, और पूरे हफ्ते में उसने हमारी मदद की, हमारी हर एक काम में हमारी मदद की, उसने सलामती बख्शी,
और जिंदों की जमीन पर रखा और आज हम उसकी हजूरी में हैं। सो खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलाल खुदाम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। और मेरे साथ निकालें ज़बूर 103। ज़बूर 103 उसकी पहली आयत से 5 आयत तक खुदाम के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदाम को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदाम को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू अकाब की मानिंद अक्सर नौजवान होता है। खुदा के पाकलाम के पढ़े उसने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा दाद के कलाम की वसीला से हम सबको बरकत दे, तशरीफ रखें। खुदा यीशु मसीह में अजीज बहनों, जैसा कि खुदा के जिंदा कलाम में हमने सूर 103 की तलावत सुनी है और यहाँ पर खुदाम का बंदा दाऊद जो है वो कहता है कि ऐ मेरी जान खुदाम को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। और अजीज बहनों, हमारा खुदा जो कादरे मुतलिक खुदा है, जो मेहरबान खुदा है और वो खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई और दुनिया में कोई ऐसा माबूद नहीं है कि जिसने जो ये सारी चीजें जो है वो बना सके। हमारा खुदा जो है वो कुदरत वाला खुदा है और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा खुदा ने अपने मुंह से इरशाद फरमाया तो हर एक चीज जो है वो वजूद में आ गई और उसने हर एक चीज जो दुनिया में हमें नजर आती है, समंदर, पहाड़, दरिया, सूरज, चांद, सितारे, हर एक चीज जो हमें दुनिया में नजर आती है वो हमारे खुदा की बनाई हुई है। और हमारा खुदा मबूदों में सबसे आला है, कोई उसकी मानिंद नहीं, कोई उस जैसा नहीं। इसीलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि ऐ मेरी जान खुदा को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। हमें बनाने वाला भी वही है, उसने हमें बनाया, उसने हमारी वो हमारी सोचों ख्यालों रातों से वाकफियत रखता है। इंसान से तो हम छुप सकते हैं लेकिन खुदा जो हमें बनाने वाला है वो हमारी सोचों ख्यालों इरादों को दूर ही से जांच लेता है। हमारे जहन में जो कुछ होता है हमारे खुदा के सामने है, क्योंकि खुदा का बंदा कहता है कि अगर मैं समंदर की तह में चला जाऊं तो वहां पर भी खुदा मौजूद है, बेशक आसमान पर चढ़ जाऊं या कहीं अंधेरे में छुप जाऊं तो वहां पर भी खुदा खुदा जो है वो मौजूद है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हर जगह पर मौजूद है और वो कुदरत और हशमत वाला खुदा है। तो इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। तो अजीज बहनों, हमें हर वक्त अपने खुदा को मुबारक कहना है क्योंकि हमारा खुदा मेहरबान खुदा, कुदरत और हशमत वाला खुदा है। वो लश्करों का रब है और वो अपनी कुदरत के कलाम से हर रोज हमें संभालता है, हर रोज हमें नई खुशियां देता है, हर रोज वो हमारा बोझ उठाता है और हर रोज वो हमें कुवत और जोर बख्श देता है ताकि हम उसके अजीब कामों का बयान कर सके, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो ही कुदरत और हशमत वाला खुदा है। और खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि ऐ मेरी जान खुदा को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। खुदा खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि खुदा ने इंसान के लिए हर एक चीज जो है वो पहले बना दी। उसने खुदा खुदा जानते थे कि इंसान के लिए रोशनी जरूरी है और हर एक पानी जरूरी है, सूरज, चांद, सितारे उसकी जरूरत के लिए हैं और हर तरह की फल, सब्जी और हर तरह की जमीन की पैदावार, हर एक चीज खुदा खुदा ने इंसान को बनाने से पहले हर एक चीज जो है वो खुदा खुदा ने इंसान के लिए बनाई ताकि इंसान जो है वो किसी तरह से मायूस ना रह जाए बल्कि वो खुदा की सारी नेमतों को देखकर उसकी शुक्रगुजारी करे। और ये सब कुछ खुदा ने इंसान के जिंदा रहने के लिए बनाया और इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि ऐ मेरी जान खुदा को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को
को फरामोश ना कर। हम खुदा की किसी भी नेमत को जुटला नहीं सकते, क्योंकि खुदा की सारी नेमतें और बरकतें जो हैं वो खुदा ने हमारे लिए अपने लोगों के लिए बनाई हैं। तो इसकी अजीज बहनों, हमें हर वक्त अपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि हर रोज़ वो हमें संभालता है, हर रोज़ वो हमें नया जोर देता है, नई कुवत बख्श देता है, वो हमें बीमारियों से बचाता है, हमारे खानदान घरानों में वो सेहत तंदुरुस्ती और सलामती बख्श देता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हर रोज़ वो हमारी कमजोरियों को जोर में बदल देता है। इसलिए जैसा कि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, अजीज बहनों हमें भी खुदा अपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है और उसकी किसी नेमत को भी फरामोश नहीं करना। बेशक हम कहते हैं, हम दूसरों को देखकर कहते हैं कि खुदा ने उस बहन को तो बड़ी बड़ी नेमतें दे दी हैं और मुझे क्या दिया है, और बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास औलाद ऐसी नेमत नहीं है या कोई और ऐसी बरकत नहीं है, तो वह कहते हैं हम खुदा की क्यों शुक्रगुजारी करें, खुदा ने हमें क्या दिया है, खुदा ने हमें औलाद जैसी बरकत तो दी नहीं है। लेकिन अजीज बहनों, हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारा खुदा चाहता है कि जिस भी हालात में हम हों, जिस तरह के हालात में हों, हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, उसके नाम को मुबारक कहते रहें, और कोई भी छोटी बड़ी जैसी भी बरकत खुदा ने हमें दी है उसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें, क्योंकि ये भला है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा शुक्रगुजारी करने वालों को पसंद करता है। अगर हम उसकी नेमतों और बरकतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते रहेंगे तो खुदा जो है वो हमें और ज्यादा आगे बढ़ाएगा, और ज्यादा नेमतें और बरकतें देगा, हमारे दरमियान से बीमारियों को दूर करेगा, परेशानियों को दूर करेगा। और अगर हम मुश्किल परेशानी और बीमारी कमजोरी में हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते रहेंगे, उसके नाम को मुबारक कहेंगे, तो खुदा हमें आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा, बीमारियों को जोर में बदल देगा, कमजोरियों को जोर में बदल देगा, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो मेहरबान खुदा है, वो कुदरत और हशमत वाला खुदा है, और वो हमें संभालता है और छूता है और बरकत देता है। इसी तरह खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। अजीज बहनों, हम देखते हैं कि जैसा कि आजकल कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, और ये वायरस ऐसा खतरनाक है कि जहां कहीं भी जाता है अपने साथ बहुत सारी जिंदगियों को ये निगल लेता है। लेकिन अजीज बहनों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि हमारा खुदा इस बुरे हालात में भी हमारे साथ है, और उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और वो कभी हमें नहीं छोड़ता। बेशक हालात मुश्किल से मुश्किल क्यों ना हो जाए, बीमारी इससे बड़ी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारा खुदा हमें संभालने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो वादों में सच्चा खुदा है, और जो उसके साथ वफादारी के साथ जाते हैं, उसके आइन और अहकाम को मानते हैं, उसके कवानीन पर अमल करते हैं, उसके बेटे यसु की बताई हुई तालीम पर अमल करते हैं, खुदावंद हमेशा उनके साथ रहता है, उनको संभालता है, और उनकी जान को वो हलाकत से बचाता है और बीमारियों से शिफा भी बख्श देता है। कलामे कदस में हम नए अहदनामा में पढ़ते हैं कि 12 बरस से जो औरत बीमार थी, जब वो यस्सू के पास आ गई, उसने यस्सू का पल्ला छू लिया तो उसने अपनी बीमारी से शिफा पाई। तो आज भी अजीज बहनों, अगर हमारी जिंदगियों में कोई परेशानी, कोई मुश्किल है, कोई बीमारी है, कमजोरी है, तो हमें खुदा यस्सू मसीह के पास आने की जरूरत है, क्योंकि जो कोई उसके पास आ जाता है वो उसे पूरी पूरी निजात देता है, वो उसे पूरी पूरी बरकत देता है, वो उस पर रहम करता है, क्योंकि खुदा यस्सू मसीह ने फरमाया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, और वो हमेशा की जिंदगी अपने लोगों को बख्श देता है जो उसके पास आ जाते हैं। तो इसलिए अजीज बहनों, हमें शिफा के लिए अपने खुदा के पास आने की जरूरत है, ना कि हम दूसरे माबूदों के पीछे भागते फिरे जो हमें सिर्फ और सिर्फ दुख ही दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकते, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों के गम जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अजीज बहनों, मुश्किल चाहे कैसे ही क्यों ना हो, बीमारी कैसी ही बड़ी क्यों ना हो, हालात कैसे ही खराब क्यों ना हो जाए, हमें अपने खुदा यस्सू का पर्दा जो है वो नहीं छोड़ना, बल्कि उसके पास आकर जब हम उससे मांगेंगे तो वो हमें कभी भी मायूस नहीं करेगा। सो खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। अजीज बहनों, जब हम यस्सू के पास नहीं आए थे, हमने अपने जामे उसके लहू से नहीं धोए थे, हम अपने गुनाहों में जिंदगी बसर कर रहे थे,
तो हमारी जिंदगी हम खुद जानते हैं कि कैसी थी। गुनाहों में डूबे हुए थे हम अब्लीस की गुलामी में थे, लेकिन जैसे ही हमने खुदा यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया तो हमारी जिंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत बन गई है। खुदा ने हमें सरफराजी बख्शी है, खुदा हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, वरना हम कौन है कि उसके कलाम को बयान कर सके। ये उसका फजल उसका रहम है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो उसने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए दुनिया में भेज दिया ताकि उसके वसीला से हम निजात पा सके। और अजीज बहनों, खुदा ने हम पर बड़ा फजल कर दिया। ये हमारी कोई लियाकत कोई अच्छाई नहीं है कि हम कह सके हमने ये अच्छा काम किया तो इसलिए खुदा ने हमें बरकत दी है, बल्कि उसने हमें क्या किया है, चुन लिया है और उसने दुनिया से हमें अलग कर दिया है। ये उसका रहम और उसका तर्ज है, क्योंकि खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं एक जबूर 103 और उसकी 10 आयत में कि उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया, बल्कि उसने हमारे गुनाहों को ऐसे फेंक दिया जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, और वो उनको कभी भी याद नहीं करता। सो अजीज बहनों, हमें खुदा अपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, उसके नाम को मुबारक कहना है, और खुदा की लिखता है कि वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। सिर्फ यही नहीं कि गुजरे दिनों में उसने हमारी जरूरतों को पूरा कर दिया है तो आने वाले दिनों में वो ऐसा नहीं कर सकता। हमारा खुदा जो है वो वादों में सच्चा खुदा है। जब उसने एक दफा हमें बरकत दी है तो वो उस बरकत को कभी भी वापस नहीं लेगा, लेकिन शर्त ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करने वाले बने, उसके नाम को जलाल देने वाले बने, और उसके नाम को हम जब इज्जत और जलाल देंगे तो वो हर रोज हमें अच्छी अच्छी चीजों से असुदा करता रहेगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें आज के दिन के लिए फिक्र करनी है, कल का दिन हमारे लिए कल का दिन जो है वो खुद ही अपने लिए फिक्र करेगा। तो इसलिए अजीज बहनों, हमें खुदा की दी हुई सारी बरकतों नेमतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसके नाम को मुबारक कहना है, और उसके नाम को सारा इज्जत और जलाल देना है। और लिखा है कि तू वो काबू की मान असर नौजवान होता है। खुदा हमें नया जोर नई कुवत बख्श देता है, क्योंकि वही कुवत और जोर बख्श यीशु का कीमती खून जो उसने हमारे लिए बहाया, उसने अब्लीस की गुलामी से हमें छुड़ाया, और उसने अपनी कुवत और जोर हमें बख्शा है, और वो ऐसा नहीं कि जो कभी खत्म हो जाए, वो जोर जो है वो दिन दिन बढ़ता ही जाता है। तो जिस बहनों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने खुदा पर भरोसा रखें, उस पर तवक्कल रखें, हर तरह की कमजोरी को उसकी हुजूरी में ले आए, क्योंकि वो हमारा बोझ उठाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और उसका कलाम में लिखा है कि उसका जुआ हल्का और मुलायम है, और वो हमारे लिए हम पढ़ देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे मजाहब हैं, और दुनिया के मबूद जो हम गीत में भी गाते हैं कि मांगते हैं खून देखो दूसरे मबूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। दुनिया के मबूद जो है वो महज भूत है, लेकिन उनको खुश करने के लिए लोग अपना खून बहाते हैं। अगर हम पीछे देखें तो लोग अपने बच्चों की कुर्बानियां अपने मबूदों के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर देते थे, लेकिन हमारा मबूद ऐसा मबूद है कि जिसने अपनी ही कीमती जान जो है अपना लहू हमारे लिए बहा दिया ताकि हम बच सके और उसके नाम को जलाल दे सके। और उसकी शुक्रगुजारी करने की हम सबको जरूरत है कि खुदा ने हम पर रहम किया, फजल किया, तरस खाया, और उसने जब हम गुनाहगार ही थे तो उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दुनिया में भेज दिया। ये उसकी बेपनाह मोहब्बत है, ये उसका प्यार है, ये उसका तरस है जो उसने हम पर किया, और उसने हमें बचाने के लिए अपने ही इकलौते बेटे को दुनिया में भेज दिया। तो इसलिए अजीज बहनों, हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है और उसके नाम को मुबारक कहना है, और खुदा के कलाम में लिखा है और हमारे बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफ़क़त उन पर जो उससे डरते हैं। खुदा से डरने वालों की चुगिर्द हम पढ़ते हैं कि खुदा का फरिश्ता फरमाज़ान रहता है। तो इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है उसी कदर उसकी शफ़क़त उन पर है जो उससे डरते हैं। तो जिस बहनों, हमें अपनी जिंदगियों में खुदा का डर और खौफ रखने की जरूरत है, क्योंकि जो उससे डरते हैं और वो उनका जोर बन जाता है, और जो उस पर तवक्कल रखते हैं वो किसी भी नेमत से महरूम
नहीं रहते, क्योंकि खुदा हमको वक्त पर सरफराज करता है। और ज़बूर नंबर एक में हम पढ़ते हैं कि वो सादक लोग जो हैं, रास्तबाज लोग जो हैं, वो ऐसे दरख्त की मानिंद होती हैं जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। तो अजीज बहनों, आज ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी अपने खुदा यसु को दें। जो कमी कमजोरियाँ हमारी ज़िंदगी में पाई जाती हैं, हम उनका उसकी हुज़ूर में इकरार करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी, उसकी बरकत होगी। तो आइए आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे और हम सबकी कमजोरियों को जोर में बख्शे, जोर में बदले, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो कादर मुतलिक खुदा है। और जैसा कि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि ऐ मेरी जान खुदा को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक है। तो आइए अजीज बहनों, अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे और उसकी सारी नियमतों और बरकतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे जो उसने हमें दी है। उसने गुजरे हफ्ते में हमें सलामती बख्शी है, उसने हर एक जरूरत को पूरा किया, उसने हमारी कमजोरियों को जोर में बख्श दिया, उसने हर तरह के वायरस से, हर तरह की बीमारी से हमें बचाया, उसने हर तरह की परेशानी से हमें महफूज रखा। जरूर है कि आप उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके बेटे यीशु के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें कि जिसने अपना कीमती खून हमारे लिए बहा दिया, ताकि उसके बहाए हुए खून के वसीला से हम अपने गुनाहों से रिहाई पा सके, हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाले बन सके। आइए अजीज बहनों, उससे नया जोर और उससे नई कुवत को मांगेंगे, क्योंकि हमारा खुदा नया जोर, नई कुवत देने की कुदरत रखता है। उसके बेटे यीशु का लहू हर तरह की नाराजगी से पाक करने की कुदरत रखता है। जो उसके पास आ जाता है वो उसे पूरी पूरी निजात देता है, वो गुनाहों से रिहाई देता है, वो मखलसी देता है, आगे बढ़ने में वो मदद करता है और अकाबों की मान नया जोर अपने लोगों को अदा कर देता है। आइए अजीज बहन उसकी हजूरी में झुके, अपनी सोचों ख्याल इरादों को उसकी हजूरी में लाए, अपने दिलों को उसकी हजूरी में ले लें, क्योंकि हमारा खुदा दिलों सोचों ख्याल इरादों को जांचने वाला खुदा है। कोई चीज उससे छुपी नहीं है, हर एक चीज उसके सामने जो है वो रोशन है। तो आइए अपनी कमजोरियों का उसकी हजूरी में इकरार करें, देखिए अनदेखी खताओं को उसकी हजूरी में उनका इकरार करें, ताकि हमारा खुदा जो है वो हमें बरकत दे, हमारी कमजोरियों को जोर में बदले। और ये उस वक्त होगा जब हम अपनी कमजोरियों का उसकी हजूरी में इकरार करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा जोर अवर खुदा है और वो नहीं चाहता कि किसी कोई भी जान हलाक हो, क्योंकि वो हर एक की तौबा तक नौबत चाहता है। अजीज बहनों, हमें अपनी अपने दिल खुदा की हजूरी में खड़ेने की जरूरत है और उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जिंदा कलाम के लिए दुआ करेंगे और ये दुआ हम बहन रियाज के साथ मिलकर करेंगे। बेशक हमारा खुदा उन वादों में सच्चा खुदा है, पर सारी चीज़ें उसने अपने लोगों के लिए बनाई हैं, इसलिए हमें हर बात में, हर काम में उसकी शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। आइए हम प्रसिस में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे, चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकता है, और इसी के दौरान अपने हथियार जाते गीत नंबर 249। के साथ रास्ता सुखड़ा है।
मस्जिद का माहौल फंस गया। इबादत के लिए इसकी शुक्र गुजारी करेंगे जिसने हमें शुरू से लेकर आखिर तक संभाले रखा। हदीये नजराने के लिए भी इसकी शुक्र गुजारी करेंगे और आने वाली इबादतों के लिए और जो भी बीमार है वो अपना हाथ दिखा सकता है। एंटनी सीन के साथ मिल रही है। आए सब अपने आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की शुक्र गुजारी करेंगे कि किए गए परस्तिश के लिए और सुने गए कलाम के लिए खुदावंद की शुक्र गुजारी करेंगे। और जितनी बहनों ने हाथ दिखाए हैं और खुदावंद हमारा जिंदा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, वो जानता है, वो पहचानता है। और जितने ऑनलाइन भी हमारे साथ हैं, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई बीमारी की हालत में है और खुदावंद के आगे मिन्नत करेंगे, वो अपने सर पर हाथ रखे और खुदावंद हमारा जिंदा खुदा ऐसे असीम मौजज़े करने की कुदरत रखता है, वो हमारे दरमियान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुदूस में बाप बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमदार करते हैं। यीशु मसीह के नाम के वसीला से हम तेरे पास आते, तुझे बीमारी कहते हैं कि तू भला खुदा है, तेरी शौकत आपदी है, तू वादों में सच्चा जिंदा खुदा है। हम तेरी शुक्र गुजारी, तेरी तारीफ करते हैं। आज शाम के लिए हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं कि खुदा ने तूने अपने घर में आने का फजल दिया, अपने कदमों में बैठने का फजल दिया, इस बात के लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि जी भर कर हमने तेरी परस्तिश की और तेरे मुंह की बातों को सुना, ताकि खुदावंद के खुदा हम अपनी जिंदगी तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगियों बसर कर सके। मेरे यीशु, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ। जितने बीमार लोग हैं और जिन्होंने अपने हाथ दिखाए हैं और खुदावंद तू जानता है, तू पहचानता है, खुदावंद के खुदा तू इनकी बीमारी को जानता है, इनकी परेशानी को जानता है, खुदावंद मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ। यीशु मसीह के नाम के वसीला से तेरा कुवत वाला हाथ, तेरा जलाली हाथ खुदावंद के खुदा इन पर बड़ा रहे और तेरे लोग तेरी शुक्र गुजारी करें और तुझसे शफा हासिल करें। लबरशा मन का भी कबर जमीन तारा रसा, इंदौरा का भी कबर खास सीरियला मन तारा रसा। आकाश बेटे के लिए भी हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि खुदावंद के खुदा हर बीमारी का इलाज तेरे पास है और खुदावंद तो अपने बेटे को भी शफा नाजिल करना। और खुदावंद के खुदा इश्तियाक के लिए भी और खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करते हैं बहन रियाज के लिए भी कि खुदावंद तूने खुदावंद के खुदा अपने बेटे को बचाया और जो जख्म है यीशु मसीह के नाम के वसीला से तेरी कुदरत तेरा जलाल खुदावंद के खुदा तेरे बेटे पर सहर हो। और बहन रियाज के लिए और खुदावंद सारी परेशानी का खात्मा कर यीशु मसीह के नाम के वसीला से तेरी कुदरत तेरा जलाल सहर हो। और खुदावंद के खुदा मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, तू जोरावर खुदा है, तू सब कुछ करने में कादर है। राजू के लिए भी हम तेरे आगे शफा की दुआ मांगते हैं। मेरे यीशु, जितने ऑनलाइन हमारे साथ हैं और जिन्होंने के साथ बैठे हुए हैं और खुदावंद उन सब के लिए शफा की दुआ मांगते हैं, तंदुरुस्ती सेहत की दुआ मांगते हैं कि तरह तरह की बीमारियां तरह तरह की कमजोरियां यीशु मसीह के नाम के वसीला से इन बदलों में से चली जाएं और तेरा कुवत वाला हाथ तेरा जलाली हाथ खुदावंद के खुदा काम करे। मैं तेरे आगे मिन्नत कर लिया यीशु मसीह के नाम के वसीला से असीम मौजज़े हो, असीम काम हो मेरे जिंदा खुदा। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ कि तू जोरावर है, तू ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है मेरे जिंदा खुदा। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ इस हदीये नजराने के लिए जो तेरे लोगों ने दिया है, तो इसकी खुशबू ले अपने लोगों को भर कर दे, कमाने वाले हाथों को भर कर दे, जो तेरे दीव है जो तुझे दिया है इसके खजाने अपने लोगों को भर कर दे। खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करते हैं, हुक्मरानों के लिए खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि तू खुदावंदों के खुदा अपनी हिकमत से बाहर अपने जलाल से बाहर मेरे जिंदा खुदा
और खुदा के खुदा इस बीमारी जो कोरोना की बीमारी इस दुनिया में फैली हुई है और खुदा मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ कि तू अपने लोगों पर रहम का तरस था, तो अपने डरने वालों के चकीरत खुदा अपने फरिश्तों को खुदा क्या जानकार देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ कि खुदा के खुदा तो अपने डरने वालों को बचा लेता है। खुदा मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ कि जो कोई इस बीमारी में गिरफ्तार है और खुदा जो घर में है, जो खुदा हॉस्पिटल में है, उन पर तेरा कुवत वाला हाथ, तेरा चलाली हाथ मांगती हूँ और खुदा तेरा कुवत वाला हाथ काम करे और तेरा शफा वाला हाथ काम करे। तेरे लोग शफा पाकर, रहाई पाकर खुदा तेरी गवाही दे कि यीशु ही ऐसे असीम काम करता है। मेरे जिंदा खुदा मैं तेरे आगे मेहनत करती हूँ खुदा, मैं पूरी कलीसिया के लिए भी बरकत की दुआ मांगती हूँ। जितनी जाने तेरे आगे सिर नगु हैं, इन सब के लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ। तेरे कदम के लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ। इतवार के रोज के लिए तेरे आगे मेहनत करती हूँ कि जब तेरा बंदा कलाम देता है कि तू खुदा अपने बंदे के गले होठों जुबान का चुमा लेना, अपनी हिकमत से भरना, अपने जलाल से भरना। मेरे जिंदा खुदा जो भाई लीड करे उसके लिए हिकमत की दुआ मांगते हैं, कबहर पर तेरी खुदाम रूह का मस्सा मांगते हैं। मेरे जिंदा खुदा जितने दूर नेड़े से लोग आए और तुझसे बरकत पाकर जाए, कुवत पाकर जाए, मेरे जिंदा खुदा मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ। तेरी बेटी के लिए कि जिसको तूने आज फजल किया कि वो लीड कर सके, उसके लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ। तेरी खात्मा के लिए और ज्यादा हिकमत और दनाई की दुआ मांगती हूँ। यीशु के नाम में तेरा कुवत वाला हाथ, तेरा चलाली हाथ पड़ा रहे। यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की मीठी और पैर फकत और शराकत हम सब के साथ, खुदा के मुकदसियों के साथ, सारी हाजिर जमात के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।